हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं कार्तिक महेंद्र और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर 11 की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस। एच मणिकांता सर्विसेज से उन्होंने ब्रीच कर दिया है एनआर इन मेंस 100 मीटर बाय क्लॉकिंग 10.23 सेकंड्स एट द 62nd नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 राफेल नडाल इज शेड्यूल्ड टू मेक हिज रिटर्न एट ऑस्ट्रेलियन ओपन नेक्स्ट ईयर। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की 20 मेंबर स्क्वाड फॉर द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हैज बीन अनाउंस्ड। इंडिया ने यह टूर्नामेंट सिर्फ एक बार जीता है साल 2016 में। इंडियन बैडमिंटन फैंस के लिए बड़ी खबर, सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी आर द न्यू वर्ल्ड नंबर 1 पेयर इन मेंस डबल्स और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भी इंडियन डबल्स पेयर ने ये रैंकिंग अचीव करी। पीएम मोदी ने इंटरेक्ट करा एशियन गेम्स के कंटिंजेंट के साथ एट द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इन न्यू दिल्ली यस्टरडे। इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में जीते 107 मेडल्स। पीवी सिंधु ने अपनी कैंपेन आर्टिक ओपन 2023 की एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत करी है, डिफीट करा है उन्होंने नोजोमी ओकुहारा को इन स्ट्रेट गेम्स। इंडियन मेंस सीनियर फुटबॉल टीम विल प्ले मलेशिया इन द मर्देका कप 2023 ऑन फ्राइडे 13th अक्टूबर 2023। द कॉन्टेस्ट विल बी प्लेड एट बुकिट जलील नेशनल स्टेडियम इन मलेशिया। बात करें अगर क्रिकेट की तो इंडियन बैटर विराट कोहली आईसीसी ओडीआई बैटर रैंकिंग्स में अब नंबर 7 पे आते हैं। थोड़ा उन्होंने रैंकिंग्स में गेन करा है वाइल कैप्टन रोहित शर्मा ड्रॉप डाउन टू कपल ऑफ स्पॉट्स टू नंबर 11। अगर बोलर्स की रैंकिंग्स की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने अपना नंबर 1 स्पॉट खो दिया है, वो आते हैं अब नंबर 2 पे और ऑस्ट्रेलियन पेसर जॉश हेजलवुड बन गए हैं न्यू नंबर 1 रैंक्ड ओडीआई बोलर। शुभमन गिल जो कि डेंगू के फीवर के कारण इंडिया की पहली गेम मिस कर रहे थे, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो नहीं खेल पाए एंड नाउ ही इज डाउटफुल इवन फॉर द पाकिस्तान गेम शेड्यूल्ड फॉर अक्टूबर 14। रिपोर्ट्स अब ये भी आ रही है कि बीसीसीआई शायद सोच रहा है कि गायकवाड़ या जायसवाल को टीम में इंक्लूड किया जाए अगर शुभमन गिल पूरे के पूरे टूर्नामेंट से रूल आउट हो जाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो खेल नाउ टीवी को लाइक फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।